यशयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 61। यशयाह अध्याय 61। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दू और बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, और यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, और सब विलाप करने वालों को शांति दू और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधू और उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाओ, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लिए लगाए हुए कहलाए, ताकि उसकी महिमा प्रकट हो। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे और पूर्व काल से पड़े हुए खंडहरों में फिर घर बनाएंगे, और उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी से पीढ़ी में उजड़े हुए हो फिर नए सिरे से बसाएंगे, और परदेशी तो आ खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे, और विदेशी लोग तुम्हारे चरवाहे और दाख की बारी के माली होंगे, पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे। वह तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम अन्य जातियों की धन संपत्ति को खाओगे और उसके विभव की वस्तुएं पाकर बढ़ाई करोगे। तुम्हारी नामधराई की संति दुना भाग मिलेगा, और अनादर की संति वे अपने भाग के कारण जय जयकार करेंगे, और वे अपने देश में दुने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित रहेंगे, क्योंकि मैं यहोवा न्याय के प्रति प्रीति रखता हूं और अन्याय और डकैती से घृणा करता हूं। इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा, और उनका वंश अन्य जातियों में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र ऐसे पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दिए है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उपजाती और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको वह उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धर्म और यश को प्रकट करेगा।